हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है ये वीडियो है बर्ड्स के ऊपर। और बर्ड में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बर्ड के साथ साथ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बर्ड का नेट बनाने वाला हूँ बर्ड को पकड़ने के लिए। दोस्त, मेरे पास बर्ड का नेट है नहीं, अब मैं फिश वाले नेट से पकड़ता हूँ। और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो छोटा भी और ख़राब भी हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स के जो नेल्स वगैरह होते हैं, मुँह होते हैं, उससे बाइट करती रहती हैं, तो ये ख़राब भी हो रहा है। और ये मछली पकड़ने के काम का है, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा तो नहीं आता, पर 100-200 रुपए के तो आते हैं। बर्ड नेट यहाँ मिलता भी नहीं है, तो मैं भी बर्ड नेट अपने से बना रहा हूँ। इसके लिए क्या चाहिए होता है, ख़राब बैडमिंटन। लेकिन इसको बनाने के पहले और इसको दिखाने के पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपने इस वीडियो में। मैं आज आप लोगों को मेल फीमेल बजीज पैरेट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको हिंदी में बजरी बोलते हैं। ये मेरे पास हैं और ये दुकान है आपकी रीवा मध्य प्रदेश में, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को कलरफुल सभी तरीके की बजीज बर्ड मिल जाएंगी, जावा फिंच मिल जाएंगी, कॉकटेल वगैरह, गिनी पिग, हैमस्टर, रैबिट्स, बनी सब मिलेंगे बस। लेकिन अभी वो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक है। अभी मेरे पास स्टॉक में है जावा फिंच है और बजीज पैरेट है। बजीज पैरेट में मैं आप लोगों को पहले तो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेल और फीमेल की एग्जैक्ट कैसे जाँच कर पाएँ, जिसकी वजह से आप इसे घर पर ब्रीड कर पाएँ और ये पेसफुल तरीके से रहें, आपस में लड़ाई झगड़ना चाहिए। जैसे आप लोग ये बर्ड देख रहे हैं जो येलो कलर का है, ये आप लोगों को मैं बता दूँ ये फीमेल है। और इसकी आप लोग नोज़ देख सकते हो, इसके ऊपर जो है हल्का पिंक तरह का नोज़, ऊपर तरफ आप नोज़ देखें, नोज़ के ऊपर तरफ देखें, यहाँ पे नोज़ में ही देख सकते हैं। और ये आप लोग दूसरी बजीज देख सकते हो, ये वाली ब्लू वाली, इसकी नोज़ ब्लू कलर की रहेगी। नोज़ के ऊपर आप देखना भी, ये इसकी ब्लू है और इसकी पिंक है। तो ये ब्लू वाला होता है वो मेल होता है, और पिंक वाला होता है वो फीमेल होता है। इस तरीके से आप लोग इजीली तरीके से मेल और फीमेल की पहचान कर सकते हैं। और ये जो केज है ये 2060 केज है जिसपे मैंने रखा हुआ है, और ये छोटा केज होता है। बजीज पैरेट को ऐसे कम से कम इतने बड़े केज पे रखना चाहिए, बट बहुत सारे लोग इतने बड़े भी केज में रख लेते हैं। वैसे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ऐसा केज बनवा लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, देसी वाले केज में बिल्कुल मत रखिए, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें बजीज पैरेट आप लोगों की उड़ भी जाती हैं, उसमें फंस भी जाती हैं, और उससे जंग लग जाता है, जैसे उनके हाथ पांव वगैरह में लोहे लग जाते हैं। इस केज में जंग वंग नहीं लगता, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसका नेट बना के। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को कोई ख़राब बैडमिंटन लेना है, सही बैडमिंटन नहीं लेना। ये बैडमिंटन एक्चुअल में यहाँ से हल्का सा बैंड है नीचे तरफ से, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये गड़बड़ है, थोड़ा सा टूट गया है। लेकिन ये बर्ड के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, तो इसकी जो पुरानी वाली नेट है इसे मैं कटर की मदद से काट दूंगा। और एक मच्छरदानी या चाहे पुरानी ले लीजिए, और ये तो नई भी ले सकते हैं, उसके ज़रिए आप लोग इसे अभी मैंने इसको पूरी तरीके से इसके नेट को निकाल लिया है। अब इसमें एक बैडमिंटन का सबसे अच्छा है कि इसको मैंने नेट सिलने के लिए यहाँ पे जो होल्स बने हुए हैं इसी के ज़रिए मैं सिलूंगा, तो ये काफ़ी मजबूत पकड़ भी रहेगी। और इसमें बर्ड्स वगैरह के लिए स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा लंबा भी ज़्यादा होता है। मेरा बड़ा केज है तो इसमें मैं ऐसे पकड़ के ऐसे बर्ड को निकाल लूँगा इजी। चलिए मैं करते हुए आप लोगों को बर्ड पकड़ के दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसका जो कॉर्नर है, बॉर्डर है, उसको मैंने सिल दिया है चारों तरफ से। और अब इसका एक तरफ वाला हिस्सा और बचा हुआ है, जो नीचे का और साइड का जो ये नेट है इसे बस और सिलना बाकी है, इसे भी मैं सिले देता हूँ। ये मेरा नेट बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो इसकी गहराई थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसका टेस्ट करते हैं, कोई बर्ड पकड़ते हैं। मेरी बर्ड्स के कलर चेंज होते जा रहे हैं, येलो से ग्रीन हो रही है, कुछ तो ख़तरनाक ग्रीन हो रही है, डेंजर टाइप की ब्लैक हो रही है, पता नहीं कैसे। आप लोग भी देखो इसको, ये इसके बगल वाली है, ये फाइंड नहीं हो पा रही थोड़ा सा, ये आ गई है, ये आप देख सकते हो ये मेल ही है। चलिए मैं कोई बर्ड पकड़ता हूँ, आप लोगों को एकदम पास से दिखाता हूँ, और इस नेट की भी टेस्टिंग करते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो केज है ये मैंने बनाया था जुगाड़ से, क्योंकि मुझे बड़ा केज चाहिए, इतना बड़ा केज मार्केट में मिलता नहीं है। और ये इसमें बड़ा सा गेट थोड़ा सा छोटा हो गया था केज के अकॉर्डिंग,
लेकिन ये केज इतना अभी परफेक्ट बना नहीं है एक्चुअली, फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम लोगों का। अपने से क्या किया ये इसने तो एक मिनट, और ये शायद वही वाला है। ये तो ऐसा केस बनाने का काफी फायदा है वो सॉरी नेट। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कितना शानदार नेट है। इसके अंदर चिड़िया बिचारी चिड़िया रानी आ गई, तो कोई तरीके काटती नहीं है, लेकिन तो काटने की कोशिश करती है, काट पाती नहीं है, इसे मैं छोड़ दूंगा। कितनी प्यारी, रुकी मैं हाथ से पकड़ के दिखाता हूँ आप लोगों को, खिला लूं। बच्चू 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 ओए ओए, ये देखिए ब्लू नोज, ये ब्लू नोज जो होती है ना मेल होता है, देखना मैं उल्टा तो नहीं बता रहा हूँ ना, आप लोग कमेंट करके बताओ मैं क्या क्या गलत गलत बता रहा हूँ। और आप सभी लोग कैसे हैं, इसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, मैं इसको हाथ से पकड़ा हुआ ना तो धक 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 हो रहा है इसका करेजा। सोचिए हम लोगों को अगर चिड़िया लोग उठा लिया और पकड़ लें और आसमान में टांग दें और घुमाएं, फिर वो लोग भी हम लोगों के साथ ऐसा प्रैक्टिकल करें तो हम लोगों को कैसा लगेगा। वैसा ही नहीं लग रहा, इन्हें रोज लगता है, हम लोग तो सिर्फ सोचते हैं, कितना मजा आएगा हम लोग भी आसमान में उड़ेंगे, आसमान में गोरी के साथ में। चलिए इसे छोड़ते हैं इसके घर पे, एक बार मैं कोशिश करता हूँ काटने की कोशिश करती हूँ मुझको, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना दूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को बर्ड की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और सॉरी क्या, मेरे एक हाथ में कैमरा एक हाथ में ये है तो निकल जाओ भैया, ये थोड़ा सा नेट सही है, नेट देख सकते हो, लगा दिया हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी भाई लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।